हरियाणा चुनाव के शुरुआती रुझानों के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में मीडिया वालों के सामने नजर आए। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की स्थिति पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुमत की उम्मीद जरूर जताई। दफ्तर की ओर बढ़ते हुड्डा को मीडिया ने घेर लिया तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। हालांकि जाते जाते उन्होंने सिर्फ यही कहा कि बहुमत हमें मिलेगा। माना जाए कि हुड्डा साहब का जादू एक बार फिर से चल पड़ा, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे लगातार। कांग्रेस का बहुमत आएगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा ये सिर्फ शुरुआती रुझान है और जैसे जैसे पूरे नतीजे आएंगे कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी। कांग्रेस के सरकार बनाने के दावों के बीच जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने किंग मेकर बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि विधायक दल गठबंधन किसके साथ करना है ये तय करेगी। उन्होंने कहा रुझानों से स्पष्ट है कि हम किंग मेकर बनने जा रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी में से किसके साथ जाना है इसका फैसला विधायक ही करेंगे।